Assalamu alaikum students, today we are going to learn chapter number 9, which is chemical equilibrium. Equilibrium generally refers to the state of balance. Many natural systems depend on equilibrium phenomena for their existence, such as we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, while plants consume that carbon dioxide and release oxygen in the environment. Similarly, concentration of gases in lakes is governed by principles of equilibrium. जैसे कि lakes के अंदर जो dissolved gases होती हैं वो responsible होती हैं aquatic life को maintain रखने के लिए. और ये सारे principle जो natural events हो रहे हैं ये main depend करते हैं equilibrium के ऊपर. Chemical reactions दो तरह के होते हैं, reversible reactions and irreversible reactions. Irreversible reactions goes to completion, ये सिर्फ एक direction में होते हैं और ये complete हो जाते हैं, जबकि reversible reactions दोनों directions में हो रहे होते हैं and they never goes to completion. In a chemical reaction, अब chemical reaction क्या होता है, एक chemical reaction के अंदर reactants combine to form products. For example, in this reaction, hydrogen and oxygen are the reactants which react to form water molecule which is a product. तो ये एक chemical reaction का को शो कर रहा है कि जिसमें reactants मिलके products बनाते हैं. अब वो reactions जिनमें products दोबारा मिलके reactants नहीं बनाते वो irreversible reactions कहलाते हैं. जैसे कि इसी reaction में ये product है, ये recombine होके reactants नहीं बना रहा, तो इस तरह को के reaction को हम irreversible reaction कहते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से. एंड दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. दे नेवर गोज टू कम्प्लीशन एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो. अब अगर तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, reactants react to form products, it is forward reaction. जैसे इस reaction के अंदर hydrogen and iodine मिलके hydrogen iodide बना रहे हैं, reactants मिलके product बना रहे हैं और ये एक forward reaction कहलाता है. जबकि वो reactions when product, इस reaction में जो product है hydrogen iodide उसको heat करेंगे तो इस reaction का reverse होगा जो कि reverse reaction कहलाता है. जैसे वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं वो रिवर्स रिएक्शन कहलाता है. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? इट इज़ अ स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ये वो स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं. दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, या तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रुक जाता है. इसकी हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक बिल्डिंग है वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है क्योंकि जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो सारी बैलेंस होती है और इसकी वजह से बिल्डिंग अपनी जगह पे रुकी होती है. स्टैटिक मीन्स रुका हुआ. डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है लेकिन दोनों रिएक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं. जैसे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. इस तरह के रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम के क्या हैं? कि इट कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम. ये एक क्लोज सिस्टम के अंदर अचीव कर सकते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को, ओपन सिस्टम में नहीं होगा क्योंकि ओपन सिस्टम में बहुत सी फ्रिक्शंस भी आ सकती हैं जो कि इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं. दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज. इवन द फिजिकल स्टेट्स लाइक कलर एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा ऑल्सो डू नॉट चेंज. अब इस इक्विलिब्रियम को हम किसी भी डायरेक्शन से किसी भी तरीके से अटेन कर सकते हैं, फ्रॉम ईदर फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स और फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. अब इस स्टेट को कहीं से भी
हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन हो गई है, हम उसको डिस्टर्ब करके एक दफ़ा दोबारा उसको अचीव भी कर सकते हैं अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? इट इज द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिस रेट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर। अब एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है सब्सटेंसेस की, इन इसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सप्रेस किया जा सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। हम कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स विच आर सी एंड डी। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अब ये एरो रिएक्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, जबकि के आर रिप्रेजेंट करता है रिवर्स रिएक्शन को। अब इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के, इनको हमने इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को शो किया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने आर एफ से शो कर लिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम उसके जगह पे के एफ एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, और ये जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट हम ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कॉन्सेंट्रे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट साइन हटा के हम कॉन्स्टेंट के आर लगा देंगे, जो कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो चूँकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं के एफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू के आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। इसको हम रीअरेंज करेंगे, के आर इधर आके के एफ के नीचे डिवाइड हो जाएगा और ए बी सी एंड डी के नीचे डिवाइड होगा। ये हमने रीअरेंज कर दिया है। अब हमें जो है के एफ ओवर के आर को इक्वल कर देंगे के सी के ऊपर। अब के सी क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी विच आर प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ तक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन तक रिव्यू कर लिया है। अब रिमेनिंग पोर्शन इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।